सत श्री अकाल ऑल, मैं भाई आपका वेलकम करता हूँ मेरे चैनल वीडियोस गार्डनिंग वर्ल्ड पर। होप सबसे अच्छे अच्छे होंगे, फिट पड़ेंगे, अच्छे से काम में लगे होंगे। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू मेक कोकोपीट इजीली एट होम बाय यूजिंग ग्रेटर। तो आप देख सकते हो ये कोकोपीट हम इससे बनाएंगे, ये हमारा नारियल जिससे हम पानी पीते हैं। ये आप देख सकते हो इसको ऊपर जो हमारा ग्रीन कलर का छेल होता है, अभी हमने इसको उतार देना है, या आप ऐसे नाइफ की मदद से भी उतार सकते हो इसको। ये थोड़ा सा रह गया था बस, और इसको भी हमने उतार देना ऊपर से। और ये आप देख सकते हो इसके ये छीले जो हमने इसके ऊपर से छीले उतारे हैं, ये स्वे में ऐसे इसको उतार दिया। बहुत इजी होता है काटना। और ये इसको हमने कद्दूकस नहीं करना, कद्दूकस भी कह सकते हो, ग्रेटर की मदद से आप कर सकते हो, और ग्राइंडर भी यूज़ कर सकते हो टू ग्राइंड एज इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। तो आप देख सकते हो ये मेरा ऐसे का नारियल है, ये हाँ ये ऐसे का मेरा नारियल है। तो हमने इसके ऊपर सारा ऐसे इसको ऐसे रगड़ना है, तो इसका सारा ग्राइंड वो ग्रेटर की मदद से यूज़ होकर बाहर निकल जाएगी कोकोपीट हमारी, एज मैजिक टाइप ही हो जाता है। पर ये हमारी मेहनत भी लगती है इसमें थोड़ी सी, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। हमने ऐसे करके इसको ऊपर रगड़ना है इसके, और ये कद्दूकस हो ही जाएगा, और आराम से इसको ऐसे निकाल देना है। ना इसको ज़्यादा बड़े वाले में करना, ना ज़्यादा छोटे वाले में, बस इसको हमने सिंपल जो मीडियम होता है उसके अंदर कर देना। और ये आप देख सकते हो हमारी थोड़ी इसको कोकोपीट बन भी। ये आप देख सकते हो मेरी कोकोपीट जो मैंने बनाई थी पिछले मंथ, और ये ईजिली बन गई है। ये मैंने पहले थोड़े से छोटा सा एक नारियल था उससे मैंने बना ली थी। तो फर्स्टली आप मेरे चैनल पर अगर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, जितने भी न्यू वीडियोस आएंगे सबसे पहले आपके पास उसके नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। लो अब हमने सारा का सारा कर दिया है, इतना ज़्यादा बन गया, बस थोड़ा सा रह गया, और इसे थोड़ा 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 ऐसे कर कर बन जाना, बहुत अच्छा बन जाएगा ये। और हमने इसको ऐसे कर कर ये जो है हमारा, इसको हमने रख देना है सुखाने के लिए बाद में, तो हम इसको ऐसे रख देंगे। आप देख लो गीला है, इसको अभी नहीं करना। और ये हम इसको एयर लेयरिंग की मदद कर इसको फेंक देना हमने, ये हमने रखना है। ये जो थोड़ा भूसा है, मल्चिंग भी कर सकते हो इससे, ईजिली आप ग्रो कर सकते हो अपने सीड्स वगैरह अच्छी, इसमें पानी का वो होता है, और वो हमने फेंक देने हैं। आपको जैसे कि मैं बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छी कोकोपीट घर में बन जाएगी। जो बाहर बनाते हैं उसमें उन्होंने मिक्सिंग की होती है, ये दी बेस्ट है। तो होप सो आपको ये अच्छी आ रही कोकोपीट, ये अब हमारी रेडी होगी। अब इसको हम सुखाएंगे बाहर सुबह, अभी ये रात के टाइम पर इसको रख देंगे, और सुबह अब होगी हमारी, तो सुबह को हमने इसको धूप के नीचे रख देना है जब सूरज आ जाएगा। तो अभी सूरज काफ़ी अच्छा निकला हुआ, तो हमने इसको इसके नीचे रख देना है, तो जो जितना भी पानी होगा सूख जाएगा, और अच्छी सी हमारी कोकोपीट तैयार होगी। इसको हमने कम से कम 3 या 5 बारी अपनी धूप में सुखाना है। आप देख सकते हो कितना अच्छा भी सूरज निकला हुआ है। होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अगर पसंद है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक करना, जितने भी न्यू वीडियोस आएंगे सबसे पहले आपके पास उसके नोटिफिकेशन पहुंचेंगे। तब तक के लिए सत श्री अकाल, ओके, बाय, सी यू लेटर, हैप्पी गार्डनिंग।